हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रा, आप देख रहे हैं एक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M10s के बारे में। सो जो सैमसंग गैलेक्सी M10s है, लगभग मैं दोस्तों सितंबर के महीने में ख़रीदा था और मुझे पता था दोस्तों 8K के आसपास। अभी भी दोस्तों ये फ़ोन अमेजोन के ऊपर आपको 8K के आसपास मिल जाएगी सेल फिल। अगर आप सेल में खरीदोगे दोस्तों आपको 7.5K और 8K के आसपास मिल जाएगी। इनमें यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम है दोस्तों, लगभग ये दोस्तों अप्रैल का महीना चल रहा है दोस्तों, और अप्रैल के महीने में दोस्तों मैंने रिसेंटली जब इस फ़ोन को चार्ज कर रहा था दोस्तों, चार्ज करने के बाद मेरा जो फ़ोन है दोस्तों स्टडी नहीं हो रहा है। मेरा जो फ़ोन है दोस्तों चार्ज करने के टाइम स्टार्ट तो हो रहा था, बट मैंने जब से इसे चार्जिंग से अनब्लॉक किया है, अनब्लॉक करने के बाद दोस्तों जो मेरा फ़ोन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M10s के अंदर। आई डोंट नो व्हाई, बट क्या हुआ हमें एक्चुअली मालूम नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि मालूम है, हम यहाँ पर घर से बाहर नहीं जा पा रहे इस फ़ोन को ठीक करने के लिए। सर्विस सेंटर सभी क्लोज है, इसलिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो सैमसंग गैलेक्सी M10s है और जो सैमसंग का जो एकदम लो बजट फ़ोन है दोस्तों, उसका जो ड्यूरेबिलिटी उतना कुछ खास नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो फ़ोन है दोस्तों, मेरे से सिर्फ वन टाइम ड्रॉप हो गया था, एक बार नीचे गिर गया था। उसके बाद दोस्तों नीचे देख पा रहे हो क्रैक आ गया है। उसके बाद फ़ोन वर्किंग कंडीशन के अंदर था, बट अभी दोस्तों मैंने जब भी फ़ोन को चार्ज में लगाया था, उसके बाद चार्जिंग से निकाला, अनप्लग किया, तब से दोस्तों फ़ोन जो है ये यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने आपको फिर से यहाँ पर चार्जिंग में डाल के दिखा रहा हूँ। चार्जिंग में डालने के बाद भी दोस्तों मेरा जो फ़ोन है दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे ध्यान देना होगा दोस्तों, जब भी मैं चार्जिंग में डालता हूँ और जब भी मैं फ़ोन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे दोस्तों यहाँ पर वाइट ब्लीडिंग इशू आ रहा है। मतलब जो स्किन है, स्किन के अंदर वाइट, कुछ पोर्शन के अंदर वाइट ब्लीडिंग इशू आ रहा है। उससे ऐसा दोस्तों, मैं जब भी पावर बटन को होल्ड करके रखता हूँ तो मुझे वाइब्रेशन हो रहा है। फ़ोन जो है दोस्तों मेरा वाइब्रेट कर रहा है, पर स्क्रीन के ऊपर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। इससे जो चीज़ मुझे लगती है वो है, क्या जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर इशू आई होगी। सो अगर स्क्रीन के अंदर इशू आती है तो कोई बात नहीं, मेरे पास इंश्योरेंस है दोस्तों। जैसे आपको मालूम है, अगर अमेजोन से अगर फ़ोन खरीदते हो तो दोस्तों आपको इंश्योरेंस मिलता है वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का। सो इंश्योरेंस को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जब भी शॉप्स ओपन हो जाएगी तो मैं इंश्योरेंस को अप्लाई कर दूंगा और सक्सेसफुली ये जो फ़ोन का स्क्रीन है वो लोगों रिप्लेस कर देंगे। बाकी देखते हैं दोस्तों, इस तरह की इशू कभी भी नहीं हुई है मेरे साथ। मेरे हिसाब से दोस्तों जो फ़ोन है चार्जिंग के टाइम थोड़ा सा हीट हो गया था, हीट हो जाने के कारण दोस्तों शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है डिस्प्ले के साथ, और कोई रिबन फिबन जल फल गया होगा, कौन जाने। एनीवे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। अगर आपके पास M10s है तो संभल के रखना। अगर फ़ोन गर्म हो जाता है तो चार्जिंग में मत देना, चार्जिंग से अनप्लग कर दीजिए। और जो सैमसंग का मिड और लो बजट डिवाइस है उसे मत खरीदो। मेरे हिसाब से वही अच्छा हुआ, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी कितना अच्छा होगा आई एम नॉट श्योर। मैं दोस्तों इसको केस चढ़ा के यूज़ करता था, इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड भी लगाया हुआ है, केस भी लगाया है, फिर भी दोस्तों इतना अच्छे से ढंग से काम नहीं किया और यहाँ पर क्रैक भी आ गया है स्क्रीन के अंदर। सो ड्यूरेबिलिटी सैमसंग के लो बजट फ़ोन के अंदर इतना कुछ खास पर्सनली मुझे नहीं लगा है। बाकी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है हमें ज़रूर से कमेंट करके बताना। और अगर आपके भी पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ़ोन के रिलेटेड, डिस्प्ले के रिलेटेड, सो हमें ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।